हेलो हाय फ्रेंड्स, आई एम राजू। आप देख रहे हैं रॉयल बाइक माई यूट्यूब चैनल, स्वागत है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये हमारा बजाज पल्सर 150 एजी मॉडल है। देख सकते हैं एजी का मतलब 2016 का मॉडल है। टाइमिंग चेन पूरा चेंज करवाने के लिए पूरा खोल के रखा है मैंने। देख सकते हैं पूरा उसका क्लॉथ साइड एंड हेड का टॉप ही खोल के रखा है मैंने। उसका टाइमिंग चेन पूरा ख़राब है। उसके साथ साथ मैं आपको एक अच्छा बात बताऊँगा, जैसे हमारा वाइब्रेशन पिनियन, जो इंजन जो होता है वाइब्रेशन पिनियन, उसका सेटिंग कैसे करवाए। मतलब जब भी आप क्लच साइड खोलता है, खोलने का टाइम में आपका जब भी वाइब्रेशन पिनियन जब भी गिर जाता है, निकल जाता है, तो आप कैसे सेटिंग कर सकता है आसानी से, अच्छा से कैसे ओरिजिनल सेटिंग कर सकता है। टाइमिंग चेन खोलने के लिए एक बता देता हूँ मैंने। पहले हम उसका जो टॉप रहता है, जो 14 नंबर का चार बोल्ट रहता है, चार बोल्ट खोलना चाहिए और 8 नंबर का बोल्ट रहता है नॉर्मली। उसके बाद हमारा क्लॉच साइड का खोलना चाहिए, क्लॉच साइड का जो बोल्ट होता है पूरा क्लॉच साइड का। और यहाँ पर हमारा प्लॉक का कैप होता है, हमारा प्लॉक का कोन भी खोलना चाहिए। कोन खोलने का पहले यहाँ पर एक स्क्रू रहता है, देख सकते हैं हमारा एलिंग का 3 नंबर का स्क्रू रहता है, वो स्क्रू भी खोलना चाहिए। देख सकते हैं उसका सामान पूरा मैंने खोल के रखा है यहाँ पर उसका जो प्रॉब्लम जो है, यह हमारा टाइमिंग चेन का पैड पूरा घिसा हुआ है, देख सकते हैं पूरा ख़त्म हो गया। इसके साथ ये भी टाइमिंग चेन है, देख सकते हैं टाइमिंग चेन पूरा ख़राब है। उसका साथ साथ टेंशनर भी चेंज करवाना चाहिए, कि उसका एक सेट चेंज करवाता है तो टाइमिंग चेन भी चेंज करवाना चाहिए, और टाइमिंग चेन पैड भी और टेंशन भी, तीनों एक ही साथ में चेंज करवाना चाहिए। और उसके साथ साथ भी आप चेक करवाना चाहिए उसका टाइमिंग चेन क्रैंक का जो पिनियन होता है, ये भी चेक करवाना चाहिए। ये जो हमारा ये जो दांत है, दांत बेंड होना तो होता है, मतलब इसे पूरा घिसा होता है, जब घिसा होगा तो पूरा ख़त्म हो गया तो चेंज करवाना चाहिए। और उसका ऊपर का जो हमारा स्पॉकेट रहता है, ये तो ज़्यादा से ख़राब नहीं होता है। बाकी बेयरिंग वगैरह चेक करवाना चाहिए, बेयरिंग वगैरह भी फ़िलहाल सही है। और हम ये तीनों चीज़ को चेंज करेंगे, और चेंज करने के बाद मैंने साउंड कैसा है भी आपको लास्ट में बताऊँगा। उसके साथ साथ मैं बताऊँगा उसके जो वाइब्रेशन पिनियन कैसे सेटिंग करवाता है। ये पकड़ेंगे, देखिए ये हमारा जब भी मूवमेंट आगे जब भी मूवमेंट करेंगे घूमेगा नहीं, देख सकते हैं ये घूम नहीं सकता है। तो हम ये पीछे हमें ऐसे पकड़ा आगे से दोनों साइड में दो तरफ। पहले मैंने राइट साइड से सेटिंग करवाता हूँ, तो पहले आगे करवाएंगे तो वो घूमेगा नहीं, क्योंकि ये वन साइड ही होगा। तो ये हमारा बीच में है, देख सकते हैं ये हमारा ये जो बीच में है, तो हम बीच से हाफ पॉइंट आया सेकेंड पॉइंट में, हम उसमें फुलर में लगाएंगे। कैसे लगा के दिखाता हूँ, देखिए पहले हम इसको प्लास्टिक को अंदर घुसाएंगे, घुसाने के बाद ये हमारा 0.12 पॉइंट में अंदर घुसा दिया मैंने, देखिए 2 पॉइंट में घुसा दिया। सेम ऐसे ही ये भी देखिए, ये जो पॉइंट है ये 1.2 पॉइंट में अंदर घुसा दिया। ये हो गया हमारा वाइब्रेशन पिनियन सेटिंग। तो खोलने के टाइम में आपको ध्यान देना चाहिए, वाशर रहना चाहिए अंदर, और बाहर भी वाशर होना चाहिए। उसके बाद ये लगाने के लिए उसी का भी एक टाइमिंग होता है, देख सकते हैं जरा यहाँ पर दिखाओ, ये देखिए यहाँ पर एक टाइमिंग होता है, यहाँ पर देख सकते, ये जो एक डॉट है ये हमारा टाइमिंग है, ये टाइमिंग के साथ मिलाना चाहिए। यहाँ पर भी एक कटिंग होता है, यहाँ पर आप मिला के इसको लगाना चाहिए। किसे जब भी हम उसको ये कटिंग लगाएंगे, उसके बाद उसका साथ भी एक जो पिनियन है, देख सकता है ये सो हमारा टाइमिंग का पिनियन है, ये जो कटिंग देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये यहाँ से लगेंगे यहाँ पर, और ये उसका कटिंग से यहाँ पर एक कटिंग होता है क्रैंक का, ये कटिंग सेम होना चाहिए। और यहाँ पर एक डॉट रहता है, और यहाँ पर एक छोटा वाला छेद रहता है कटिंग, यहाँ पर कटिंग होना चाहिए। ये छेद और ये कटिंग मिलने के बाद ये लगाना चाहिए यहाँ पर। कैसे मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं ये मैंने ये लगा दिया,
ये जो छेद है ये लगाने के बाद आप ये एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ये आगे पीछे से कर सकते हैं, ये इसे आगे पीछे करके यहाँ ये यहाँ पर जो छेद होता है ये छेद से यहाँ पर एक कटिंग होता है यहाँ पर हमारे इंजीनियर केस के साथ में। उसका छेद क्लियर करने के बाद ही हमारा ये हाउसिंग जो आता है, ये जो हाउसिंग जो आता है ये हाउसिंग और यहाँ पर पॉइंट से मिलना चाहिए और ये छेद से मिलना चाहिए। मिलने के बाद ही आप ये हाउसिंग इसे लगा के पूरा बराबर सेटिंग करवाना चाहिए, पूरा हिलना नहीं चाहिए, सेम टू सेम सेटिंग कर सकता है, ठीक है। आज ये मैंने उसका जो टाइमिंग था सेटिंग ऑलमोस्ट थोड़ा जैसा आपको समझ में आ गया शायद लगता है मेरा, और ये मैंने पूरा फिटिंग करेंगे। और सो जब भी आप, और एक बात बोलना चाहता हूँ मैं, ये जो टाइमिंग चेंज करने का टाइमिंग, आप ये तीनों चीज़ एक ही साथ में चेंज करवाना चाहिए। एक हमारा गाइड आता है चेन गाइड, और उसके साथ टेंशनर आता है, उसके साथ टाइमिंग चेन आता है, ये तीनों साथ ही आप चेंज करेंगे तो गाड़ी परफेक्ट, साउंड भी अच्छा रहेगा और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। और आज का इतना ही वीडियो है, और वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो को सब्सक्राइब निश्चित करिए। चलिए अच्छा वीडियो के साथ फिर आऊँगा, तब तक जय हिंद।